हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। दोस्तों, अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 420 वैकेंसी और पे स्केल इसका स्पेसिफाइड नहीं है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, उसके साथ साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट को कम से कम 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास होना चाहिए, और ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तथा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का जो डेट है 18 जनवरी 2019 है, और इसका लास्ट डेट 10 फरवरी 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू बेस्ड है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।